आज 10 है, कल 50 चाहिए, परसों 100 चाहिए, उसके आगे चाहिए। नीड की बात नहीं है, ग्रीड की बात है, और ग्रीड इस सभ्यता का एक प्रेरक तत्व माना जाता है। कहते हैं लोभ नहीं होगा, असंतोष नहीं होगा, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे लोग तो कहते हैं कि संतोष में रहिए, संतोष परम धन है, भारत ऐसा कहता है, पर हमने उसको फॉलो किया है, उसको ले लिया है। जो लोभ की बात कहता है, जो असंतोष की बात कहता है, जो प्रतिद्वंदिता की गला काट प्रतिद्वंदिता की बात कहता है। और गांधी ने इस देश की आत्मा को समझा था, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये सभ्यता हमारे लिए सही नहीं है। आपको मैं बताऊं, बस ओ, मैंने बहुत लंबा कहा। ये छोटी सी किताब 1909 में लिखी गई, हिंदू स्वराज, और इसमें गांधी ने साफ कहा कि ये उपभोक्तावाद ने आज यूरोप को तबाह किया है, यूरोप के समाज को टुकड़े टुकड़े किया है, और अगर भारत इसी रास्ते पर चलेगा तो पामाल हो जाएगा। इसमें आप वो पामाल शब्द खोज सकते हैं। मैं मानती हूं कि यही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है, और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, हम समझें कि जीडीपी हमको नहीं बढ़ाने वाला है, जीडीपी हमको, हमारे समाज को संतुष्ट नहीं करने वाला है। हमको एक दूसरी सभ्यता, एक दूसरे अर्थव्यवस्था, एक दूसरे समाज की जरूरत है। गांधी में वो सब मिलेगा। गांधी ने वो अनटू दिस लास्ट का एक सार संक्षेप लिखा था, और उस सार संक्षेप में उन्होंने लिखा है, मैं याद करती हूँ उसको अच्छी तरह। उसने लिखा है, अगर एक किसान समय पर अपनी फसल काटता है, और अगर एक बड़े एक राज अपने सुंदर सुंदर कुशल कुशलता से चुनाई करता है, एक बढ़ई अपने कलात्मक ढंग से लकड़ी का काम करता है, और एक गृहिणी अपने रसोई घर में प्यार से उस रसोई घर को रखती है और उसमें काम करती है, तो वो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये है मूल्य जहां हमको जाना चाहिए, ये है मूल्य जहां हमारी समस्याओं का हल हो सकता है, ये है वो दिशा जो गांधी बताता है। वो कहते हैं कि जब आप कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे हो, तो पहले उस जिसको आपने सबसे गरीब किसी को देखा है, उसकी सूरत अपने आंखों के सामने लाओ, उसको कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। आज मैं ऑल वेदर रोड देखने जाती हूँ, और मैं पूछती हूँ लोगों से कि क्या है, तो बड़ा रेस्टोरेंट वाला कहता है, नहीं नहीं मेरा तो एक कोना ही टूटने वाला है, अरे आ जाए, कोई बात नहीं, ऑल वेदर रोड आने दो, शायद ज्यादा टूरिस्ट आ जाएंगे, जरा ज्यादा पैसा कमाऊंगा। मैंने कहा, तुम क्यों नहीं सोचते कि वो खोखे वाले का क्या होगा। अरे वो अपना अपना सोचे, ये हमारा समाज हो गया। ना तो कोई उसका पड़ोसी उसके लिए सोचने वाला है, उस गरीब के लिए, और ना तो हमारी योजना हमारा विकास उसके लिए सोचता है। हमारा विकास भी क्या सोच रहा है उसके बारे में। जब तक हमारे मानक ऐसे नहीं होंगे, गांधी का समाज वो नहीं है। गांधी तो कहता है कि सबका ध्यान आना चाहिए, और वो ये भी कहता है कि हर गरीब से गरीब को ये लगना चाहिए कि ये देश मेरा है, इस देश में मेरी एक बात है, मैं कह सकता हूँ, इस देश में मुझे कोई सुन सकता है। इस देश में कौन उसको सुन रहा है, फिर क्यों हम नारे लगा रहे हैं कि गरीबी हटा देंगे। और जब तक ये उपभोगवादी व्यवस्था रहेगी, कंज्यूमरिज्म रहेगा, हम सब, आप हम सब उसके भोगी हैं, हम हैं, हम
हम वो सब बाजार भाव वो सब हम कर रहे हैं, पर समझना तो चाहिए, जानना तो चाहिए और कदम भी उठाना चाहिए। जैसा तिवारी जी ने कहा, लिव विद 100 things। हम कब सोच रहे हैं कि वी विल लिव विद 100 things? तो गांधी वहां है, गांधी वहां जीवन शैली वो है। मैं कहती हूँ गरीबी की रेखा खींचने की जरूरत नहीं है, अमीरी की रेखा खींचो गांधी की तरह। गरीब के लिए अपने कपड़े उतारने वाला कौन है? किसी महिला के पास साड़ी नहीं है बाहर निकलने को, तो गांधी अपने कपड़े उतार देता है, एक छोटी धोती पहन लेता है, ऊपर नंगे बदन रहता है और गर्व के साथ रहता है, गरीबी के साथ नहीं रह रहा है, अपने पैशन के साथ रह रहा है, अपनी समझ के साथ रह रहा है, अपनी आत्मा के साथ रह रहा है। और इसीलिए वो इंग्लैंड के राजा के सामने महा जाकर के उन्हीं कपड़ों को पहन के जाता है, उसी चप्पल को पहन के जाता है जो चर्मोद्योग की बनी थी, हाथ से बनी हुई। वो है गांधी, और उस गांधी को लाने की जरूरत आज बहुत अधिक है इस क्षण। अदरवाइज हम सब बातें करते रहेंगे और होगा कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है, क्योंकि बिजू भाई तो कहते हैं तुमको समय नहीं देंगे, तो मैं सोचती हूँ कि मैं पूरा करूँगी इस समय, लेकिन ये बात थोड़े में कहने जैसी नहीं है। ये तो केवल चंचु प्रवेश कहते हैं ना, वैसा है। इस पर अगर लोग आगे सोचेंगे, कुछ अध्ययन भी करेंगे, अरे खोजो यार क्या है इसमें, क्या इसमें हल निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, कहें नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ये बात तो सही है, उन्होंने कहा कि एक वकील और एक नाई की का मेहनताना एक होना चाहिए, व्हाई नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए। जिस चीज में आप कुशल है उस चीज में वो कुशल है, वो आपकी गर्दन नहीं काट रहा है ना, उस तरह ऐसे फिरा रहा है, उसकी कुशलता कम क्यों मानी जाए और बौद्धिक विषय बड़े क्यों माने जाएं? मैं तो हमारे यहाँ लक्ष्मी आश्रम में एक 19 साल का कारपेंटर, वो कभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नहीं गया, राजा नाम है उसका। वो जब उसकी सीट देखता है ना, डोरी खींचता है, तो उसकी आंख इतनी स्थिर हो जाती है जैसे अर्जुन की आंख जब वो मछली की आंख ही आंख देखता था, इतनी स्थिर हो जाती है और इतनी बारीकी से वो देखता है और ठीक से डोरी को बांधता है। एक बार मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, तो जो प्रसिद्ध सर्जन है इंदौर के, उनको मैंने देखा था जब तक मैं बेहोश नहीं हुई, कि उनकी आंखें स्थिर हो गई थी सीधे उस जगह पर जहां पर उनको ऑपरेशन करना था। तो मैं कहती हूँ उस सर्जन और इस कारपेंटर में क्या फर्क है, क्या एकाग्रता है? दोनों की एक सी एकाग्रता है, एक सी समझ है, एक सी शक्ति है, तो क्यों नहीं उनकी? अच्छा चलो समान नहीं भी करते तो कम से कम नजदीक तो लाओ। आप तो हजारों गुने की आपने विषमता खड़ी की और विषमता रहेगी इस उपभोगवादी सभ्यता में, इस अर्थव्यवस्था में, और मैं मानती हूँ कि प्रकृति भी इसी तरह से नष्ट होती रहेगी, क्योंकि ये सभ्यता ही शुरू हुई है 18वीं सदी में प्रकृति पर विजय करनी है। हमारा देश प्रकृति पर कभी विजय नहीं करता है। बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर जाकर कहा था, आई हैव नॉट विन एवरेस्ट, मैंने एवरेस्ट को प्रणाम किया है। तो वो प्रणाम करने वाली भावना, वो भारत की आत्मा है, भारत की बैठक है, और भारत की उस बैठक को गांधी ने समझा था, इसलिए उसने कहा था कि सत्ता लोगों के हाथ में होनी चाहिए। आज आप पिछले दिनों में बहुत लोग कह रहे थे कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज होती जा रही, हम देख रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जनतंत्र समाप्त होता जा रहा है और सेंट्रलाइजेशन
हर चीज का ताकत का अभी तो किसी से पूछना ही ऑर्डर कर देना है। ऐसे हमारे शासक हो गए जो कि लोकतंत्र के नाम पर है। लोकतंत्र तो फेल है। तो इस सब के लिए गांधी चाहिए। अभी इतना ज्यादा उसका विश्लेषण करने की का समय नहीं है, पर मैं मानती हूँ इन सब जगहों पर आज गांधी का विचार, गांधी की शैली चाहिए। गांधी व्यक्तिशा नहीं चाहिए, शैली चाहिए, उसका विचार चाहिए और उसको धरातल पर उतारने की इच्छा चाहिए। धन्यवाद।